अंधक ख्वाबों का सहारा एक धुंधलाया सा कनारा एक धुंधलाया सा कनारा अंधक ख्वाबों का सहारा एक धुंधलाया सा कनारा देखे थे जो सपने कभी लगता है भूल गए वो अभी जैसे भंवर को मिल जाए कनारा देखे थे जो सपने कभी लगता है मिल गए वो अभी जैसे बबर को मिल जाए कनारा मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि अरमान मेरे मन का अरमान है उसे मेरा कर दो सिर्फ मेरा कैसे है अरमान ठीक हूं वो तो मुझे पता है
I need to share something very important with you. I think मैं तुम्हारी सिर्फ अच्छी दोस्त नहीं बल्कि पत्नी भी हूं। और रही तुम्हारी इंपॉर्टेंट बात, वो मैं जानती हूं क्या है। क्या? तुम उस मुस्लिम लड़की के साथ शादी करना चाहते हो? हाँ, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है अरमान, क्यों ना हम रसोई में जाके इस मैटर को डिस्कस कर लें। हाँ? क्या नाम है उसका? करती क्या है वो? मिडिल सेक्स से MBA कर रहा है। और अगर उसे मेरे बारे में पता चल गया तो? यही तो प्रॉब्लम है यार, उसके सामने मैंने खुद को अनमैरिड शो किया होगा। काश मैं उसे सब कुछ सच सच बता सकता, मगर वो नहीं हो सकता क्योंकि मैं हिंदू हूँ और तुम मुसलमान। पूजा, जिस फर्क को तुम इतना सा फर्क समझ रही हो, उसकी वजह से हमारा पूरा सब कॉन्टिनेंट दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। और फिर अगर हम शादी करेंगे भी तो कैसे? हवन के गीत साथ फेरे लेकर या फिर किसी काजी का निकाह? हाँ करूंगी, मैं तुम्हारे साथ निकाह करूंगी। अरमान, हमारे धर्मों के बीच का फर्क तुम इतना पिंच कर रहा है, तो मैं तुम्हारी मोहब्बत में इस्लाम भी स्वीकार कर लूंगी। देखो पूजा, इस्लाम किसी फर्द वाहिद की मोहब्बत में नहीं बल्कि उस वादाउल्ला शरीक की मोहब्बत में सरशार होकर कबूल करते हैं। और बस इस्लाम किसी फर्द वाहिद की मोहब्बत में नहीं बल्कि उस वादाउल्ला शरीक की मोहब्बत में सरशार होकर कबूल करते हैं। बस
ख्वाबों का सहारा एक धुंधलाया सा कनारा एक धुंधलाया सा कनारा अंध के ख्वाबों का सहारा एक धुंधलाया सा कनारा सपने कभी लगता है भूल गए वो भी जैसे भंवर को मिल जाए कनारा देखे थे जो सपने कभी लगता है भूल गए वो भी जैसे भंवर को मिल जाए कनारा मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि अरमान मेरे मन का अरमान है उसे मेरा कर दो सिर्फ मेरा कैसे है अरमान ठीक वो तो मुझे पता है कमाल है पूजा ये तुम हमेशा बिना देखे कैसे जान जाती हो कि मैं आया हूं बिकॉज द पावर ऑफ फीलिंग्स इज ग्रेटर देन द साइट सुभान अल्लाह क्या कहा Being a very good friend of yours. I need to share something very important with you. I think मैं तुम्हारी सिर्फ अच्छी दोस्त नहीं बल्कि पत्नी भी हूँ और रही तुम्हारी इंपॉर्टेंट बात वो मैं जानती हूँ क्या है क्या तुम उस मुस्लिम लड़की के साथ शादी करना चाहते हो हाँ लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है अरमान क्यों ना हम रसोई में जाके इस मैटर को डिस्कस कर लें हाँ मुझे देख लो मैं भी तो जी रही हूँ तुम्हारे बगैर तुम्हारे यादों के साथ मैं तुमसे अलग हूँ फातिमा बहुत अलग
जब अल्लाह को मानते हो उस पर भरोसा क्यों नहीं करते? वो जिस किसी को तुम्हारा जीवन साथी बनाएगा अच्छा ही बनाएगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा करम है। तेरा फजल है। फातिमा तुमने ठीक कहा था फातिमा, बिल्कुल ठीक कि वो जिस किसी को भी मेरा लाइफ पार्टनर चुनेगा अच्छा ही चुनेगा। रिश्ते वाकई आसमानों पे बनते हैं और जमीन पे सिर्फ सेलिब्रेट होते हैं। मतलब शादी करोगी मुझसे? You mean yes? Yes. May Allah bless you. मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आइए। Sure. आए, please. बैठिए। आप चाय लेंगे? No thanks. आप कुछ कहना चाह रहे थे? आई थिंक आपके इस्लामिक लेक्चर सुनने के बाद मुझे इस बात का दिल से एहसास होने लगा है कि What, Jared? इस्लाम इज द ओनली ट्रू थिंग एंड ए रियल सिंबल ऑफ पीस एंड लव। अल्लाह अकबर। Hi, Jared. Hi. How are you? I'm good. You know, Arman? What? What do you mean, Jared? Jared नहीं रहा। आखिर हो क्या गया उसे? सब ठीक तो है। आप साफ-साफ लफ्जों में क्यों नहीं कहती? कमाल है। मैं आपसे इतना सीरियस होके पूछ रही हूँ और आप मुस्कुरा रही हैं। आखिर साबित क्या करना चाहती हैं आप? वो खता या गुनाह हर एक करता है मगर इसका एहसास कोई कोई जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि अल्लाह को तो सब मानते हैं मगर दिल में बसाता कोई कोई। आज जुम्मतुल मुबारक है, बहुत बड़ा दिन और तुम्हारे और जालिल के लिए उससे भी बड़ा। वो देखो जेरेड मोहम्मद अली। मोहम्मद अली? उसे उसका किनारा मिल गया। क्या बात है? उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।
तुम? अली, मोहम्मद अली नाम है मेरा। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। तुम्हें भी मुबारक हो। दिल में कोई भी मौसम हो, चले। थैंक यू। ख्वाबों का सहारा एक धुंधलाया सा कनारा, एक धुंधलाया सा कनारा।